रूस एक बार फिर चर्चा में रहा, लेकिन आमतौर पर वैश्विक कूटनीति को लेकर चर्चा में रहने वाला रूस इस बार अपनी आंतरिक राजनीति को लेकर सुर्खियों में रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के देश में व्यापक संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद पुतिन के भरोसेमंद रहे प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव और उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। रूस की संसद ने मिखाइल मिशुस्तिन को देश का नया प्रधानमंत्री चुना है। टैक्स विभाग के प्रमुख पद पर रह चुके मिशुस्तिन अब तक रूस की राजनीति में अनजान चेहरा थे। माना जा रहा है कि पुतिन ने 2024 के बाद भी सत्ता में बने रहने के लिए नया दांव चला है। रूस में अचानक जो हुआ उसकी भनक किसी को भी नहीं थी। यहाँ तक कि मंत्रियों को भी नहीं पता था कि उनके पद से हटने का समय आ गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश में व्यापक संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखा। पुतिन के इस ऐलान के बाद उनके करीबी साथी दिमित्री मेदवेदेव और उनकी पूरी कैबिनेट ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। मेदवेदेव पुतिन के काफी भरोसेमंद साथी रहे हैं। मेदवेदेव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के इन प्रस्तावों से देश के सत्ता ढांचे और शक्ति संतुलन में काफी अहम बदलाव आएंगे। ये बदलाव जब लागू हो जाएंगे तो न सिर्फ संविधान के सभी अनुच्छेद बदल जाएंगे बल्कि सत्ता संतुलन और ताकत में भी बदलाव आएगा। एग्जीक्यूटिव की ताकत, विधानमंडल की ताकत, न्यायपालिका की ताकत, सब में बदलाव होगा, इसलिए मौजूदा सरकार ने इस्तीफा दिया है। 2008 में पुतिन को संवैधानिक वजहों से राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा था। तब मेदवेदेव ने पुतिन के लिए प्रधानमंत्री पद छोड़ा था और उन्हीं के कहने पर राष्ट्रपति बने। खास बात यह है कि अपने भरोसेमंद मेदवेदेव के प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद पुतिन ने उन्हें रूस सुरक्षा परिषद का डिप्टी चेयरमैन नियुक्त कर दिया। मेदवेदेव आने वाले समय में पुतिन के सलाहकार के तौर पर उनके साथ जुड़े रहेंगे। दरअसल पुतिन ने बुधवार को ही रूस के संविधान में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में ऐलान किया था कि देश में राजनीतिक ताकतों का बंटवारा ज्यादा बेहतर तरीके से किया जाएगा। ये शक्तियाँ राष्ट्रपति से लेकर संसद, राज्य परिषद और अन्य सरकारी संस्थानों को भी दी जाएंगी। पुतिन ने जो प्रस्ताव रखे हैं, उन्हें लेकर देश भर में वोटिंग कराई जाएगी और इनके लागू होने की स्थिति में सत्ता की ताकत राष्ट्रपति से ज्यादा संसद के पास होगी। प्रस्तावित किए गए संशोधन रूसी संविधान की मूल नींव को प्रभावित नहीं करते हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य कानून आधारित सामाजिक देश के रूप में रूस के आगे के विकास को सुविधाजनक बनाना है, हमारे देश के संस्थानों के काम की प्रभावशीलता में सुधार करना है। साथ ही इसका मकसद समाज और राजनीतिक दलों की भूमिका को सुदृढ़ करना है। नए प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्रपति पुतिन ने मिखाइल मिशुस्तिन के नाम का प्रस्ताव रखा। रूस की संसद डुमा में मिशुस्तिन के पक्ष में 424 में से 383 वोट पड़े। कम्युनिस्ट पार्टी के 41 सांसद वोटिंग के दौरान गैर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री बनाए गए मिशुस्तिन अब तक रूस की राजनीति में अनजान चेहरा थे। मिशुस्तिन रूस के फेडरल टैक्स सर्विस के प्रमुख रह चुके हैं। उन्हें अर्थव्यवस्था मामलों में काफी अनुभवी माना जाता है। हमारे पास सभी संसाधन हैं। इन सभी फैसलों को अपनाया जाना चाहिए। साल की शुरुआत से इन्हें अब लागू होना चाहिए। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस पर काम पहले से ही सक्रिय रूप से किया जा रहा है और मुझे आपके समर्थन की उम्मीद है। रूस की राजनीति के जानकारों का मानना है कि पुतिन 2024 में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी सत्ता पर अपनी पकड़ बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में पुतिन का चौथा कार्यकाल 2024 में खत्म होने जा रहा है और मौजूदा संविधान के तहत वो अगली बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते, इसलिए उन्होंने संविधान में कुछ अहम बदलाव का फैसला किया। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वो किस तरह के बदलाव करने वाले हैं, लेकिन ये जरूर साफ है कि व्लादिमीर पुतिन की स्थिति रूस में अभी भी बेताज बादशाह जैसी बनी हुई है। ब्यूरो